भारत वर्ष को एक से बढ़कर एक उपलब्धियां देने वाली नगरी के रूप में शुमार है। ऐसा ही एक नाम संगम नगरी प्रयागराज की अफरीन अनवर उर्फ आर्शिया का भी है, जिन्होंने प्रयाग नगरी का नाम मिस इंडिया ग्लो 2018 का खिताब जीतकर रोशन किया है। साथ ही मेकअप आर्टिस्ट अफरीन अनवर फैशन मेकर की तरफ से प्रयागराज रवीश होटल में मेकअप सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें काफी महिलाएं भी शिरकत की। मेकअप का सेमिनार ये रखा गया, कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा और कोशिश करेंगे मैम का वर्कशॉप हो उसमें हम और इधर क्लासेस भी चलने वाला है, बिल्कुल कोशिश पूरी करेंगे इनका हम क्लास अटेंड करेंगे। कस्टमर ये नहीं कह सकता कि मेरा मेकअप बहुत खराब हुआ, बिल्कुल नेचुरल मेकअप। यहाँ सबसे अच्छा मेकअप आपको सीखने को क्या मिला? मेकअप की बेसिक जो लगाए उन्होंने वो चीज़ बहुत अच्छी। अच्छा, और इधर क्लासेस भी चलने वाला है? हाँ, वो भी चलने वाला है।
इनका जैसे क्लास को बहुत ही अच्छा लगा। हम 50 किलोमीटर दूर शंकरगढ़ से आए हैं। मैम का मेकअप हमको बहुत ही अच्छा लगा। अभी तक हमने जितने भी सेमिनार अटेंड किए या जिससे भी हमने मेकअप सीखा, वो लोग मेकअप बेस को बिल्कुल मैंने मोटा बेस जिस बताते थे, मगर मैम का बहुत पतला बेस हुआ और काफ़ी कुछ अच्छा सा सीखने को मिला। इससे मैंने जिससे मैम ने बताया कम प्रोडक्ट में अच्छा मेकअप किया। मेकअप की जगहें तो बहुत जगह मेकअप होता है, लेकिन यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा अच्छा लगा। आप नाम बता दीजिए अपना। आकांक्षा वर्मा। ये आज का सेमिनार जो रखा गया है, इसको कैसे जागरूक करना चाहेंगे मेकअप आर्टिस्ट को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अनवर पर्सनैलिटी मेकर एंड आपकी मैम को कि उन्होंने इस सेमिनार में मुझे एज अ मॉडल सेलेक्ट किया। और आपकी मैम का मैं हमेशा स्टेटस वगैरह देखती रहती हूँ। वो फॉरेन कंट्रीज पे जाके सेमिनार अटेंड करती हैं, कई बड़े जितने मेकअप आर्टिस्ट हैं उनकी चीज़ें वो सीखती हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि आप बाहर से कुछ सीख के आए हो, आप अपने इलाहाबाद में सिखा रहे हो। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि जो अपनी कला को नहीं दिखाना चाहते हैं, बट उनके अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं है। वो तो चाहती हैं कि इलाहाबाद में जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो बेस्ट से बेस्ट करें। और उन्होंने एज अ मॉडल मुझे लिया और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने मुझे रेडी किया है। एंड मेरा ये जो आई मेकअप है पूरा ओवरऑल लुक, और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी मैम के मेकअप में कि बहुत ही नेचुरल तरीके से उन्होंने सबको डिफाइन किया है कि आप कैसे मेकअप करिए। कम प्रोडक्ट में आपके पास प्रोडक्ट नहीं भी है तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो। और एक होता है लोगों की डिमांड कि नेचुरल मेकअप करिए, लाइट मेकअप करिए, तो मैम ने उसके अकॉर्डिंग आज ही मेरा मेकअप किया है। तो मैं अनवर सर को एंड आपकी मैम को थैंक्स कहना चाहूँगी कि आज उन्होंने मेरा ये पूरा मेकओवर किया है। ये मेरा फर्स्ट सेमिनार है। इससे पहले मैंने मुंबई में कई सेमिनार अटेंड किए, उसमें एज अ क्लास दी, लेकिन हमको मज़ा आया इलाहाबाद वालों को सिखा के। मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे आए और सोच से ज़्यादा आए, तो मैं चाह रही थी कि मेरी जो कलर मेकअप कुलड़े काफ़ी लोग तारीफ की, अभी हम बात किए, बस ये ऊपर वाले की करम है और इन लोग का प्यार, इलाहाबाद का प्यार। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनको सिखा के। ऐसे क्लास तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो क्लास अटेंड की ना, बहुत इंटरटेन के साथ की, मतलब चीज़ों को समझा, जहाँ तक मुझे लगा कि लोगों को चीज़ें समझ में आई है। अगर इसी तरीके से लोग अच्छे समझते रहेंगे तो फिर अगले महीने फिर हम एक बार इनको इनवाइट करेंगे। ऐसे मेकअप को जागरूक करने के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, मेकअप को जागरूक किया, मेकअप प्रेजेंट टाइम में ब्यूटी इंडस्ट्री का ही दौर चल रहा है, और एज अ मेकअप आर्टिस्ट सच्चाई है कि इस लाइन में बहुत अच्छा पैसा है। मीन्स एक मेकअप आर्टिस्ट की सैलरी इलाहाबाद में स्टार्टिंग 50,000 है, तो इलाहाबाद के बाहर तो अच्छी खासी सैलरी है, 1-1.5 लाख रुपये सैलरी है। और ख़ासतौर पे वुमेन अगर सीखती हैं मेकअप, अच्छे से प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनती हैं, तो एक नाम कर सकती हैं, अच्छा पैसा अर्न कर सकती हैं, अपना एक सेल्फ बिजनेस कर सकती हैं। तो वुमेन को तो वैसे भी मेकअप, खुद को भी सजाने के लिए मेकअप आना चाहिए। आफरीन अनवर नाम है मेरा, अनवर सलोन हल्दीराम के ऊपर है।